दोस्तों, क्या आप साउंड का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आप अपना सेटअप तैयार करना चाहते हैं, तो बने गए इस वीडियो साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डीजे सेटअप को कैसे तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा सेटअप में आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। लोग अपने सेटअप को असेंबल्ड भी करते हैं और कई सारे लोग बना पूरा स्पीकर HF और उसमें पूरा कंप्लीट डीजे सेटअप खरीदते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छे सेटअप के बारे में, जिसमें आपको इंपोर्टेड स्पीकर, इंपोर्टेड जो इक्विपमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी एम्पलीफायर्स और आपको HF हो गया, साउंड हो गया, मॉनिटर्स हो गए और इसमें एम्पलीफायर्स काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको PIDO, डायनाटेक, सोनोटोन में जो डीलर है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डायनाटेक सीरीज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो डायनाटेक में आपको यहाँ पे SD सीरीज़ में आपको एम्पलीफायर मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग मॉडल में अलग अलग प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे PIDO की सीरीज़ में भी आपको एम्पलीफायर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग HP 7000 आप लोग यूज़ कर, अगर कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और PD मॉडल है ये भी काफ़ी लोग यूज़ कर चुके हैं, मैं भी पिछले यूज कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर्स होते हैं डायनाटेक के भी। अगर आपको परचेस करना है, यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डीलर का प्राइस आपको पता करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाकर प्राइस दिया हुआ है। एक्चुअल प्राइस आपको डीलर से ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायनाटेक के स्पीकर्स लोग, दोस्तों अगर आप साउंड का बिजनेस जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग असेंबल करते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। PIDO के स्पीकर, पिछली वीडियो में मैं आपको PIDO के स्पीकर्स दिखाया था, यहाँ पे आपको डायनाटेक के स्पीकर्स और यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। PA सिस्टम हो गया या फिर आपको जो ये साइड फील्ड हो गया, मॉनिटर्स चाहिए, यहाँ पे आपको सारे आपको यहाँ पे सिस्टम मिल जाएगा। लाइक आपको होटल वगैरह के लिए साउंड सेटअप चाहिए, होटल में आपको परमानेंट इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप डायनाटेक की MP सीरीज़ आप देख सकते हैं, 4000, 5000, 7000 यहाँ पे आपको अलग अलग एम्पलीफायर्स मिल जाते हैं। प्राइस रेंज आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, प्राइस रेंज आपको पता करना है कि आपको क्या यहाँ पे डीलर प्राइस मिलता है। यहाँ पे आप जो प्राइस रेंज देख रहे हैं वो कम ज़्यादा हो सकता है, आप एक बार डीलर से परचेस करने से पहले प्राइस रेंज पता कर ले। यहाँ पे आपको MP सीरीज़ हो गया, आपको अभी मैंने पिछली सीरीज़ में दिखाया PD सीरीज़ हो गई, तो ये सारे आपको यहाँ पे एम्पलीफायर के सीरीज़ मिल जाते हैं। देख सकते हैं आपको यहाँ पे 7000 वाट के एम्पलीफायर हो गया, 5000 वाट के एम्पलीफायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे डायनाटेक के सबसे अच्छे मॉनिटर्स होते हैं, एम्पलीफायर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे इनके एम्पलीफायर्स और यहाँ पे साउंड वगैरह अच्छे होते हैं, जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब बूफर हो गया, सब बूफर के साथ आपको यहाँ पे पूरा स्पीकर जो छोटा बॉक्स होता है, लाइक आपको एक हॉल है, ऑडिटोरियम है, वहाँ पे आपको लगाना है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये एज ए मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए आप जैसे छोटा सा कोई कीर्तन हो रहा, भजन हो रहा, वहाँ पे आप ये 1000 वाट का आप ये मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एक्टिव मॉनिटर्स, एक्टिव सब बूफर है, जिसे आप अपना प्लग इन प्ले सिस्टम कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें छेड़खानी भी नहीं करना होता है आपको, केवल XLR लगाया और मिक्सर लगाया, देन आपका चालू। ये आप V सीरीज देख रहे हैं, V सीरीज भी काफ़ी अच्छी डायनाटेक की सीरीज होती है, V 7000, V 5000, V 4000, ये सभी अलग अलग एम्पलीफायर्स होते हैं जो आपके टॉप को रन करते हैं, या फिर आप अपने बेस भी इसमें चला सकते हैं, लाइनर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायनाटेक के मॉनिटर्स भी आपको अलग अलग डायनाटेक हो गया, और PIDO के स्पीकर्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई है, तो यहाँ पे आपको डायनाटेक के मॉनिटर्स हो गए, डायनाटेक के लाइनरे हो गए, लाइनरे भी काफ़ी लोग परचेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं और इसके आउटपुट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आपको परचेस करना है कंप्लीट सिस्टम, या फिर आप कंप्लीट टॉप, कंप्लीट बेस परचेस करना चाहते हैं, आप असेंबल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनी भी प्रोवाइड करती है। आप परचेस करने से पहले आप अपने वॉटेज देखें और एक बारी साउंड क्वालिटी का भी देखें, डायनाटेक के नो डाउट साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपका थोड़ा सा बजट रेंज ज़्यादा है तो फिर आप ओरिजिनल के लिए जा सकते हैं, उसमें फिर थोड़ा सा आपका बजट ज़्यादा हैवी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनाटेक के टॉप, ये आप जो देख रहे हैं ये STX JBL का मॉडल है, जो इनकी आप देख सकते हैं जो प्लाई वगैरह है, सेंटेक्स पेंट वगैरह है, वो भी काफ़ी अच्छा रखा है इन्होंने। और यहाँ पे सब बूफर भी देख सकते हैं, सब बूफर, डुअल सब बूफर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्राइस रेंज भी मेंशन हुआ है,
15 इंच से लेकर आपको यहाँ पे 18 इंच भी मिल जाता है। और 15 इंच में एक और ये मॉडल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रखी गई है। अगर जैसे आपका 15 इंच है साइड फील्ड में देना है या फिर आपको मेन पीए में भी देना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप मॉनिटर में साइड फील्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट साउंड आप परचेस करके लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको सीएस सीरीज भी मिल जाती है, डायनाटिक की एम्पलीफायर सीरीज है ये सीएस सीरीज। ये कम थोड़ा वॉट में कम होता है, लाइक जैसे आपका जो स्टॉल करते हैं आप अपने, या फिर कोई हॉल वगैरह होता है इसमें स्टॉल स्पीकर इंस्टॉलेशन होता है तो उसके लिए ये एम्पलीफायर काम आते हैं, तो उसमें आपको ये सारे एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस रेंज वगैरह जो यहाँ पे मेंशन है वो आप डीलर से परचेस करने से पहले आप एक बार डीलर से डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने एक और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिका वगैरह के आपको डीआई बॉक्स वगैरह जो यूज़ होते हैं गिटार वगैरह एम्प में, या फिर आप कीबोर्ड वगैरह होते हैं उसमें आप एक्टिव गिटार वगैरह होते हैं तो उसमें डीआई बॉक्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।